हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज सुबह सुबह जो है वो देख रहे हो, 6:15 हुए हैं बी टाइम। और मैं जो है वो नहा धो के हो गई हूँ रेडी एकदम से, क्योंकि हमें जन निकलना है आज खाटू श्याम जी के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम, और खाटू श्याम के दर्शन करेंगे। और आजकल जो है वो व्लॉगिंग में बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि उसका रीज़न एक तो ये है कि मेरे को बुटीक में टाइम नहीं मिलता इतना ज़्यादा, और दूसरा रीज़न ये है कि मेरी तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। कभी गले में दर्द, कभी ब्रेस्ट में दर्द, कभी पेट में दर्द, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, सर में दर्द, समझ में नहीं आ रहा। जांच कराऊँ तो कौन सी कराऊँ, क्या कराऊँ। और बुटीक जो है वो देख रहे हो ओल में बना रखा है, ये देखो इधर की साइड में, वो देखो पीछे, बुटीक का जो पूरा सामान बुटीक से निकाल दिया इतना ही जल्दी। बुटीक खाली मेरे को क्यों करना पड़ा, ये जरूर सोचोगे आपकी, इतना जल्दी बुटीक कैसे खाली कर दिया, अंदर क्यों ले आए। कई आते हैं जैसे मेरे मिलने वाले, तो वो कहते हैं कि सरोज जी ये क्या हुआ, आप सामान अंदर कैसे रख लिया, बुटीक खाली कैसे कर दिया, क्या बंद कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो मैंने कहा डरो मत, को बुटीक बंद नहीं कर रही हूँ। ये बुटीक जो है वो छोटा था, तो अब बड़े लेवल पर बुटीक बना रहे हैं ऊपर, और उसमें खूब सारी स्पेस है, अच्छी जगह है, और अच्छा बुटीक खूब बड़ा बनेगा, जिसमें आराम से ऊपर का जो पोर्शन है वो पूरा खाली है मेरा, तो उसमें बुटीक भी बन जाएगा खूब बड़ा, उसमें सिलाई के लिए भी एक रूम बन जाएगा, सिटिंग एरिया भी अच्छा खासा बन जाएगा। इस वजह से जो है वो हमने नीचे से बुटीक खाली कर दिया, और ऊपर जो है वो बुटीक सेट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ का जो शेल्फ वगैरह थे वो सब हटाए, वॉल शेल्फ थे वो सब हटा के ऊपर सेट करवा रहे हैं, तो इसलिए सामान बुटीक से निकाल के बाहर रख लिया, कुछ सामान ऊपर रख लिया, कुछ इधर इस तरीके से रख के छोड़ दिया। तो अभी हमारी हो रही है रवानगी, जो पहले मैं पी लेती हूँ चाय और नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और फटाफट अभी निकलना है। जितना जल्दी निकलेंगे उतना ही सही रहेगा, क्योंकि घर में मिस्त्री वगैरह, और पीछे देख लो मेरा कबाड़ पड़ा है खाली, वो खुला, क्योंकि सुबह सुबह इससे कपड़े वगैरह निकाले थे। इसकी भी बेचारे की हालत बहुत ख़राब हो रखी है, क्योंकि सेट करने के लिए मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो अभी निकलेंगे, तब जाके डॉक्टर को चेकअप वगैरह भी करवाना है, और तो कई काम है वहाँ जाके, तो हमने सोचा क्यों नहीं फटाफट जल्दी निकलेंगे, उतना ही जल्दी आएंगे। और आप सब लोग जो है वो चाय पी सकते हो, मैं पी रही हूँ चाय, ये दूसरी चाय है, पहली चाय पी थी, चाय पी के थोड़ा सा काम करके किचन विचन का, फिर नहा धोया, इतने में लड्डू गोपाल की पूजा वगैरह की, उनका सुबह नहाना धोना, हमने सोचा कि भाई जल्दी कर देते हैं, और फिर दोपहर में कौन, वैसे तो मम्मी है घर पे करवा सकते हैं, लेकिन घर में डिलीवरी हो रखी है तो मम्मी को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा। तो आइए चलिए मिलते हैं आपको रास्ते में। अभी हम जो है वो हो गए हैं घर से रवाना खाटू के लिए, और बहुत ही अच्छा सुबह सुबह वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा है, और देखते हैं कि जा कितने टाइम में पहुंचते हैं खाटू। राज कैसे से पप्पू की तरह बैठे हो, पप्पू की तरह कैसे बैठे हो, पप्पू की तरह कहां बैठा हूं, गाड़ी चला रहा हूं। अच्छा, ऐसे लगता है सिरो जैसे कोई नाराज हो तो पप्पू बैठे हुए हैं, ऐसे ही लग रहा है। सुबह सुबह का मौसम है ना, एक बार उठते ही ऐसा लगता ही है। पहुँच गए हैं श्याम जी के, और ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि आराम से दर्शन हो जाएंगे, और देखते हैं। वैसे तो थोड़ी बहुत तो देखो भीड़ रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, जय श्री श्याम बोल कर दे, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पहले से बोल रहा हूँ, मंदिर परिसर में मोबाइल फोन से फोटो लेना, वीडियो बनाना सख्त मना है। मोबाइल फोन अपनी जेब में रखें, दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए। Thank you.
मॉर्निंग। जो बुटीक है वो मैंने ऊपर सेट कर लिया है, कुछ हद तक कर लिया है, पूरा तो नहीं हुआ, अभी टाइम लगेगा क्योंकि काम जो है वो थोड़ा सा पेंडिंग रह गया, मिस्त्री के कोई काम हो गया, अभी वो कम से कम 10 दिन नहीं आएगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं 10 दिन तक वेट करे, ओपनिंग तो पहले थी, पहले बुटीक नीचे चल रहा था तो मैंने ऊपर जो है वो बुटीक सेट कर दिया और बहुत ही ऊपर अच्छा लग रहा है, एकदम खुला खुला हो गया और अब आराम से इसमें जो है वो कस्टमर भी आराम से इसमें जो है वो खूब जगह स्पेस खूब है इसमें और खूब बड़ा बुटीक हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऊपर का पोर्शन जो है इसमें एक कमरा दूसरा और एक हॉल, मतलब दो कमरे और इसमें है तो उसमें भी अपन आराम से सारा काम जो है वो बुटीक का अच्छे से कर सकते हैं, टेलरिंग वगैरह का जो भी है वो सारा वहाँ पे हो जाएगा। तो नीचे वाला था वो बहुत ज़्यादा छोटा था और अब आज मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि मेरा बुटीक जो है वो सेट हो गया। और कुछ आपको दिखा देती हूँ, जैसे आधा हो गया इधर से, कुछ इधर से बाकी है और आज जो है वो माल आएगा। तो ये देखो कुछ हद तक जो है वो अपना बुटीक सेट हो गया। ये वाला एरिया हमने खाली रखा है क्योंकि इसमें अभी जो है वो माल आना बाकी रह रहा है और कुछ जो पुराना स्टॉक है वो हमने अंदर रख दिया, जब जरूरत होगी तब वो सीजन के टाइम निकालें क्योंकि सीजन में पुराना स्टॉक भी निकल जाता है और नया स्टॉक भी तो देखो निकलता ही निकलता है। तो वो सामान और घाघरे जो है बुटीक के काफ़ी हद तक तो हमारे तैयार हो गए और बीच में ही जो है वो नवंबर की शादियों के जैसे ऑर्डर आ गए, किसी के प्रोग्राम में वो ऑर्डर आ गए, इस वजह से थोड़ा सा दुकान सेट करने में डिले हो रहा था और टाइम अब जैसे मतलब इसको सेट करना 2-3 दिन तो लगना ही था और मेरे को आज 4 से 5 दिन हो गए, खाटू जाके आ गई मैं, 4 से 5 दिन हो गए ये सेट नहीं हो पा रही है क्योंकि बीच में ऑर्डर आ रहा है वो कंप्लीट करना ज़रूरी है और ये जो है वो सारा ऑर्डर का सामान है तो अभी जो है वो ये कंप्लीट करेंगे शादियों का, किसी ये जड़वा का, नामकरण का, इस तरीके से प्रोग्राम जो है वो खूब सारे हो रखे हैं तो उनके भी ऑर्डर भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से। और बुटीक में जो है वो स्टार्टिंग में बुटीक थोड़ी ठीक ठाक चलने लग गया, हमने सोचा बुटीक तो बाद में ही सेट कर लेंगे, क्यों नहीं पहले जो ऑर्डर आ रखे हैं वो ऑर्डर पूरे करें क्योंकि इनके लिए तो बुटीक किया है तो सबके ऑर्डर कंप्लीट करने थे तो ये भी ऑर्डर भी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी हो रखा है। तो लुगड़ों में मैं सोची इनको पहले, आज फिर मैंने सोचा साथ में क्यों नहीं साथ में ही जो है वो मैं वीडियो भी बना देती हूँ, आप लोग हमें सपोर्ट करना, देखो आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो काफ़ी दिनों से रोज़ सोचती हूँ आज वीडियो बनाऊँ लेकिन वीडियो नहीं बन पा रहा था क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी और ऐसे ही चलता रहता है थोड़ा बहुत, और फिर थोड़ा तो इनके ऑर्डर कंप्लीट करने हैं। और इधर की साइड में मैंने कुछ हद तक दिखाती हूँ आपको, ये देखो कितना सुंदर कितना प्यारा जो है वो ये लुगड़ा है, ये किसी क्लाइंट का है तो ये वाला लुगड़ा जो है वो ये तैयार होके जाना है और ये लुगड़ा बहुत ही सुंदर है, ये देखो ये बहुत ही सुंदर लुगड़ा है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये आज तो ये वाला जो है वो खोलते ही सबसे पहले ये वाला काम किया कि ये काम फटाफट ये वाला निपटा लेते हैं, इतने सारों का जो है वो ऑर्डर कंप्लीट करना है और काफ़ी लड़कियों को बुलाया बाहर से बूटी वगैरह जड़ने के लिए तो वो सब मिल बांट के सब काम कर लेंगे। सपना था कि मेरा बुटीक जो है वो खूब बड़ा हो, अच्छा हो और माल भी अच्छा हो, मेरे पास जो वैरायटी हो वो सबसे हटके अलग हो और रेट भी कम हो, तो उस हिसाब से मैंने बुटीक को सेट किया है। मेरी रेट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल एवरेज रेट मिलेगी आपको और यहाँ 300 रुपये से लेके आपको 10,000 रुपये तक के सूट मिल जाएंगे और ऊपर जो भी होगा वो सब ऑर्डर पर आता है, जैसे हैंडवर्क के सूट वगैरह सब ऑर्डर पर मिल जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा नया नया बुटीक है तो इतना मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं साथ में स्टॉक ला के रखूँ, लेकिन ऑर्डर पे जैसे आ जाएंगे, अभी हाल ही में कुछ ऑर्डर दिया है बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे जो है
वो ऑर्डर मैं पूरे कर रही हूँ, और जो जितने भी मेरे कस्टमर हैं वो सब मतलब खुश हो रखे हैं कि हाँ सरोज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले काम पे ध्यान देती हूँ कि मेरा काम कैसा है, अच्छा काम है, कस्टमर मेरे जो हैं वो संतुष्ट हैं तो देखो मैं खुश हूँ, चाहे मेरे पैसे कम बच जाए मेरी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो उनका ऑर्डर है वो पूरा कंप्लीट करूँ और अच्छे से अच्छा माल दूँ। जो मेरे से होता है लहंगे वगैरह, ब्राइडल के लहंगे वगैरह हैं, उनकी भी बुकिंगें अभी आई हैं, जब तैयार होंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो भगवान से दुआ करती हूँ कि मैं मेरी तरफ से पूरा दूँ तो कस्टमर आएंगे, बुटीक भी अच्छा चलेगा। धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा जमने में, लेकिन मेरे को विश्वास है ऊपर वाले पे कि मेरा काम जम जाएगा धीरे धीरे। तो आप लोगों को अपना बुटीक, अपने बुटीक का नाम है श्री राधे रानी आपना बुटीक। तो आप लोगों को आपना बुटीक कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक हमारे लिए बहुत मायने हैं, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पास में जो बेल आइकन बटन है उसको दबा दीजिएगा, तो ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास फटाफट आ जाए। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव सबके साथ में। ये वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय, और मैं कोशिश करूँगी हर दिन मेरा एक नया वीडियो आए, अपने बुटीक में जो है वो कलेक्शन किस तरीके का है और किस तरीके का मेरे पास कपड़ा लहंगों का, लुगड़ों का, सूटों का जो है वो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को पूरा दिखाऊँ और हर दिन वीडियो बनाऊँ। वीडियो नहीं आएगा तो रील आएगी, कोशिश पूरी करूँगी क्योंकि थोड़ा सा एक दो दिन में पूरा ये समझ जाए, अच्छे से सेट हो जाए। तो